हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग टीयर लिस्ट का पार्ट टू करने वाले हैं। एंड पता है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि हमें एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 20-7 तारीख को, तो आई हैव टू गो फॉर द एग्ज़ाम एंड उसका सब टेंशन है। इसलिए 9th स्टैंडर्ड में हूँ बाय द वे, तो उसका टेंशन है, इसलिए मैं अभी वीडियोस नहीं डालूंगा। ये आई गेस मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम के बाद 19 के बाद वीडियो आ सकती है। तो आज की टीयर लिस्ट तुम इंजॉय करो प्लीज़, दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस मंथ। आई गेस फर्स्ट है मूवीज, इसमें मैंने टट्टी और ओपी रखे हैं, मीडियम नहीं रखे हैं। एंड नॉट वॉच में जो है वो है 4 मूवीज़ मैंने देखी, नहीं तो आई एम नॉट रेटेड इट एनी मोर। सो टट्टी कॉलम में पहली है, मतलब यूनोवा की ज़्यादा है, मतलब ऋषिराम और जैक्रॉम वाली मूवी बहुत ज़्यादा भद्दी थी। एंड फिर जेनासेक्ट वाली मूवी भी बहुत गंदी थी। सलेबी, कोकून ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्यूरम, इनकी स्टोरीज मुझे बहुत बुरी लगी। डेस्टिनी रियोक्सिस, जिराची, गिरटीना और मूवी नंबर 3 बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्टफुल, मतलब बहुत प्लेन स्टोरी थी इसकी, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं थी। और ओपी में पहली स्टोरी पहला है जोरुआक, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। म्यूटू रिटर्न्स, म्यूटू स्ट्राइक बैक्स और म्यूटू द मूवी फर्स्ट, इन तीनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। फिर हुपा में सभी लेजेंडरीज का क्लैश मुझे बहुत पसंद आया। मूवी 2 की स्टोरी और कॉन्सेप्ट बहुत एपिक था। आर्कियस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ की स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। डिटेक्टिव पिकाचू की भी स्टोरी बहुत अच्छी थी। साथ ही में डार्क क्राय की स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। एंड लास्टली लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू बहुत ज़्यादा एपिक थी। एंड आई लव दैट मूवी वॉज द बेस्टेस्ट मूवी इन द पोकेमॉन यूनिवर्स। नेक्स्ट है जिम लीडर्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा टीयर लिस्ट होने वाला है अभी। ओके, सो जिम लीडर्स की बात की जाए तो टट्टी में है पियर्स और ये बेड और ये जो कोई भी अभी गलार के हैं, मेलनी, ओपल, इन दोनों को मिला, मतलब दिखे नहीं है हमें गलार में। नेसा, माइलो का कायबू, इसका नाम नहीं पता मुझे, ये फायर वाले का, सो ये हमें दिखे नहीं, तो इसको हम लोग जज नहीं कर सकते। क्रैश विक, ब्राइस और स्काइलैंड के पोकेमॉन्स कुछ ठीक ठाक थे। बर्ज, लेनोरा, चिली, रॉक, एरिका बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव बैटल्स में अच्छे नहीं थे। फिर उसके ऊपर वो रॉक टाइप पोकेमॉन है ना, एरिके कबाजू वाला, मुझे नहीं पता क्या है, इससे मैंने उसे रैंक नहीं किया है। एंड फिर पराइस, चक और बक्सी बहुत ईजीली हार चुके थे। फ्लैनरी, वॉटसन, ब्रॉली, रॉक्सिन, हापू और ओलिविया, उनका कुछ स्पेशल रोल नहीं था स्टोरीज में। मीडियम है यू ऑल नो। सो ओपी में है बी, आयरिस, रायहान, रॉक्सी, वल्कनर, फैंटीना, मेलिन, ब्लेन, सबरीना, ड्रेडन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड कुछ ना कुछ उनका मतलब मेजर रोल था, जैसे कि बी बहुत अच्छी अपोनेंट थी ऐश की, वल्कनर अभी भी जर्नीस में आकर गया है, साथ ही में कोगा भी लाइट 4 बन चुका है तो बहुत स्ट्रांग होगा ही। ओलंपिया, वुल्फ्रिक, मिस्टी और ब्रॉक, मतलब ओलंपिया शी इज़ स्ट्रॉन्ग विद दैट मियोस्टिक की जोड़ी। एंड इन तीनों के पास मेगा एवोल्यूशन है, साथ ही में हमारे कोरिना के पास है, तो दे आर बेटर। फिर हमारा वॉलेस को मैंने इसमें इसलिए लिया नहीं है क्योंकि वो दिखा नहीं था एज अ जिम लीडर। क्लेमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग, क्लेयर वॉज स्ट्रॉन्ग, विटनी वॉज हिलेरियसली स्ट्रॉन्ग, उसका मिल्क टैंक, विनोना का शाइनी स्वेलो वॉज लिटरली इट वॉज लुकिंग बैडास, एंड साथ ही में जुआन, नॉर्मन और नानू, ये तीनों बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए मैंने इनको जरा ऊपर ऊपर रखा है, सो दे वर द बेस्ट। टाइप्स की बात करी जाए तो स्टील, रॉक, नॉर्मल और ग्राउंड और बक टाइपिंग, इसके बहुत ज़्यादा तो वीक रहते हैं। एंड मेरी वन ऑफ द फेवरेट टाइपिंग्स ओपी में है, जैसे कि साइकिक, आइस, ग्रास, घोस्ट, फ्लाइंग, फेरी और ड्रैगन, मतलब मेरी फेवरेट टाइपिंग है आइस और फेरी, आपकी क्या है मुझे कमेंट में बताओ। बाकी सब मेरे को बहुत पसंद है, जैसे कि ग्रास और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन बहुत अच्छे रहते हैं। ट्रॉपियास इज़ गुड, फिर साइकिक, ड्रैगन, ये टाइपिंग्स भी बहुत अच्छी है। एंड साइकिक एक समय की बेस्ट टाइपिंग थी, एंड अभी ड्रैगन और फेरी बेस्ट टाइपिंग्स है। सो दीज आर माई टाइप टीयर लिस्ट। तो मिथिकल्स में आई बात तो डिफेंट फॉर्म डिओक्सिस वॉज द वर्स्ट, मेलियोटा का भी अल्टरनेट फॉर्म वर्स था, कैल्डियो नॉर्मल वाला वर्स था, एंड मैनेफी एंड फियोनी काय के मिथिल पोकेमॉन से क्या पता,
मैगियरना वॉज वर्स वल्कैनिन, इन दोनों ज़्यादा दिखे नहीं थे। एंड डियानसी एक ऊपर एक पूरी मूवी थी वल्कैनिन एंड द मार्वल ऑफ, वो भी थी बट वल्कैनिन उतना कुछ मेजरेबल नहीं था। पर डियानसी नॉर्मल फॉर्म में बहुत गंदी दिखती है। मीडियम को छोड़ा जाए तो जिराची, म्यू, सेलबी, मिल्टन, शेमिन, स्काई फॉर्म एंड हुपा बहुत क्यूट दिखते हैं। मेलियोटा और स्वॉर्ड फॉर्म, स्वॉर्ड फॉर्म ही बोलते हैं उसे, हाँ वो वाला कैल्डियो भी बहुत अच्छा दिखता है। डार्क राय, मेगा, डियानसी, हुपा, आर्कियस, मेलमेटल, जेराओरा, डिओक्सिस नॉर्मल वाला, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी दिखता है। बट डियानसी वॉज द बेस्ट एंड आर्कियस इज़ द गॉड एंड ही लुक्स बेटर। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि बड़ी बड़ी टीयर लिस्ट नहीं होगी, तो अभी ये छोटी वाली देख लो। अभी 30 वाले प्रोफेसर एल्म, जुनिपर और वो लास्ट वाली मुझे नहीं पता, बट ये ज़्यादा दिखे नहीं तो दीज आर नॉट दैट मच गुड। मीडियम में मीडियम वाले हैं। ओपी में मुझे सिकमोर, कुकुई और ओक पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे ओक और कुकुई पसंद है बिकॉज दे बेस्ट। नेक्स्ट है हमारे रोडेंट्स। रोडेंट्स का बताया जाए तो यंगूज, गमशूज दोनों भी बहुत टट्टे दिखते हैं। वॉचोंग और पैट्रॉट ये दोनों भी बहुत टट्टे दिखते हैं। वैसे बनल भी अच्छा है बट डिगर्स भी एव, एंड साथ ही में जिगजैगून भी अच्छा है बट लाइनून एव। ओपी की बात करी जाए तो ग्रेडेंट सबको पसंद है, यूनाइट में भी है, सुगर्ड, रैटाटा, रैटिकेट, मेसरेबल ओजी रोडेंट से तो सबको पसंद है। एंड बनल भी स्क्यूट एंड बीडूफ किसको नहीं पसंद, दी गॉड पोकेमोन। अभी बैरल इतना फेमस नहीं है बट बीडू बहुत ही ज़्यादा फेमस है मैजिक आपके सामने। पिक चुके क्लोन्स, टट्टी में बस एक ही आया है जो कि है टगन्य मारू, मतलब क्यूट है बट मुझे नहीं पसंद। फिर मीडियम में मीडियम से हैं। ओपी में मुझे पिकचू इट्सेल्फ इज़ गुड। फिर पचरीस तो मेरे को बहुत पसंद है, क्या क्यूटी पाई थी एंड डॉन के पास है। फिर मैरल, मैरल पिकचू क्लोन तो नहीं सूट करती बट शी इज़ गुड एंड माइन एंड प्लसल से ज़्यादा क्यूट दिखता है। राइवल्स, 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 मतलब टट्टी में ऐसे राइवल्स है जिनका कुछ मेजर रोल नहीं था ऐश के सामने, जैसे कि ट्रिप, ट्रेवर और ये कौन है ये मुझे याद नहीं नाम इसका, ये डांसिंग स्किल्स इस्तेमाल करता है। एंड फिर रिची, हैरिसन, कैमरॉन और बियांका, इनका कोई मेजर रोल नहीं था। रिची, हैरिसन और कैमरॉन तीनों के तीनों सरप्राइज एंट्री वाले थे, मतलब कैमरॉन पहले से दिखाया गया था पर रिची और हैरिसन मतलब सरप्राइज एंट्री थे जो कि बहुत बहुत ही तक भद्दे से सरप्राइज एंट्रीज थे। साथ ही में मीडियम में सब अच्छे हैं। एंड फिर ओपी की बात की जाए तो ओपी वाले बंदूक को मतलब ऐश के साथ बहुत बड़ा सा मतलब टक्कर का नाता था, जैसे कि बी बी और ऐश की राइवलरी बहुत बढ़िया थी, सॉयर और ऐश की, और अलान और ऐश की भी राइवलरी बहुत अच्छी थी। फिर ग्लेडियन, कुकुई ये भी बहुत अच्छे राइवल्स थे ऐश के। फिर मॉरिसन की स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एंड साथ ही में गैरी, आज का फर्स्ट राइवल वॉज एपिक एंड माई फेवरेट राइवल इज पॉल विच इज़ द बेस्टेस्ट राइवल ऑफ एश। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग शायद से टियर लिस्ट नहीं करेंगे, तो अगली वीडियो कुछ टॉप 10, टॉप 15 ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, सो प्लीज़ चेक दैट ऑल। एंड काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा तो सॉरी फॉर द लेट।